बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड इट इज़ रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का हम समझ चुके हैं कि डायरेक्टर्स कंपनी चलाने में मेन इनका किरदार है। डायरेक्टर्स को हम ब्रेन ऑफ द कंपनी भी कहते हैं क्योंकि सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो डायरेक्टर्स करते हैं। डायरेक्टर्स को बेसिकली शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं और जब भी कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो तो हम समझते हैं कि डायरेक्टर से, क्योंकि डायरेक्टर्स को अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो शेयर होल्डर्स हैं, तो इससे ये भी पता चलता है कि शेयर होल्डर्स की जो पावर है इन द जनरल मीटिंग वो डायरेक्टर से ऊपर है, और क्योंकि वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी करते हैं तो लिहाजा डायरेक्टर फैसला तो कर सकते हैं हर कोई कंपनी में, लेकिन जहाँ पे स्पेशल बिजनेस होगा या स्पेशल रेजोल्यूशन होगी, जनरल मीटिंग का जिक्र होगा लॉ में, तो वो सारे मामला रेफ़र किए जाएंगे टू दी जनरल मीटिंग ऑफ दी शेयर होल्डर्स। तो इसमें जो सेक्शन 153 है ये बेसिकली बताता है इन एलिजिबिलिटी ऑफ सर्टन पर्सन्स टू बिकम डायरेक्टर। इसमें ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इफ़ ही इज़ ए माइनर, यानी कि अगर इफ़ समबडी इज लेस देन 18 ईयर्स he cannot be a director, is of unsound mind. Unsound mind again declaration जो है to this effect courts issue कर सकती हैं। फिर as he has applied to be adjudged as an insolvent and his application is pending. Insolvency का देखें अगर आप D में भी is an undischarged insolvent, so दोनों तरह से है कि या तो उनकी application pending है regarding insolvency या जो है वो ऑलरेडी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट यानी कि कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। इंसॉल्वेंसी का लॉ हम प्रिसाइजली इस पे पहले भी बात की थी कि इंसॉल्वेंसी बेसिकली, क्योंकि डायरेक्टर का काम बेसिकली कमर्शियल राइट्स को सिक्योर करना है किसी भी कंपनी का, सो ये एक तरह से बैंक्रप्सी या इंसॉल्वेंसी इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं कि ये सब्सिक्वेंटली किसी को अलाउ नहीं करते कि ये बिजनेस में या किसी, क्योंकि उनकी इनएबिलिटी इस हद तक पहुंच जाती है कि कोर्ट डिक्लेयर कर देती है कि ये इंसॉल्वेंट एंड दे आर नो मोर कम्पिटेंट टू रन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सो दिस इज़ द बेसिक रैशनल व्हाई इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पर्सन इज सो रेलिवेंट इन हिज यू नो सब्सिक्वेंट बिकमिंग ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। देन ईज हैज़ बीन कन्विक्टेड बाई कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। इसमें यह है कि अगर कोई इंसान की कन्विक्शन हुई है किसी कोर्ट ऑफ लॉ से और उसका जो ऑफेंस था या जुर्म था वो कोई ऐसा था जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड, ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस को कहते हैं जिसमें ऑनेस्टी का इशू हो या मॉरल वैल्यूज़ के कोई इशूज़ हों, जिस तरह कोई चोरी है या करप्शन का कोई केस है किसी पे, तो अगर कन्विक्शन हो जाए तो वो भी जो नेचुरल पर्सन है ही कैन नॉट बिकम ए डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी। FIG has been debarred from holding such office under any provision of this act. Different provisions हैं उसमें, SECP या Securities and Exchange Commission of Pakistan के पास इख्तियार है कि वो डिक्लेयर कर सकती है कि कोई जो नेचुरल पर्सन है वो डायरेक्टर की पोजीशन नहीं ले सकता। सो अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो वो एक टाइम पीरियड भी बताते हैं कि तब तक 2 साल तक या 5 साल तक वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। सो अगर ये इस तरह की कोई डिक्लेरेशन हो किसी इंसान के खिलाफ तो वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकेगा। देन जी है इज़ लैकिंग फाइडिशरी बिहेवियर एंड अ डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट हैज़ बीन मेड बाय द कोर्ट। फाइडिशरी बिहेवियर से मुराद ये है कि हर इंसान जब का बिजनेस करता है और उसके साथ दूसरे फाइनेंशियल इंटरेस्ट रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन के होते हैं तो फाइडिशरी बिहेवियर ये कहता है कि ही हैज़ टू एक्ट विद ऑनेस्टी, with due diligence and without having any conflict of interest in a business. So to ensure fairness of a person's decision making in a company, उस पर ये कानून ने पाबंदी लगाई है कि वो अपना fiduciary behavior का पूरा पूरा ख्याल रखेगा और and if at any time वो company को नुकसान पहुँचाता है अपने इस behavior से, तो सेक्शन 212 में इजाज़त है शेयर होल्डर्स को कि वो ऐसे किसी डायरेक्टर के ख़िलाफ़ ये डिक्लेरेशन लें, और अगर ये ऐसी डिक्लेरेशन कोर्ट दे देता है तो ये जिस तरह लिखा है सेक्शन 212 के कॉन्टेक्स्ट में कि प्रीसीडिंग 5 ईयर्स में फिर वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। देन एच इज़ डज नॉट होल्ड
एनटीएन, और एनटीएन पे इतनी ज़्यादा अभी तक रिस्ट्रिक्शन या स्ट्रिक्टली जो है वो एप्लीकेबिलिटी इसकी नहीं है। कमीशन क्योंकि SECP के पास इख्तियार भी है कि ये इसकी एनटीएन की जो है वो एग्जेम्पशन दे सकता है। देन आगे जी आई में आ गया आपका इज़ नॉट ए मेंबर। इज़ नॉट ए मेंबर से मुराद ये है कि कंपनी में एक शेयर लेके वो मेंबर भी होगा तो फिर ही वो डायरेक्टर बन सकता है। यानी कि सो पहला क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी को डायरेक्टर बनाना है तो चाहे वो क्वालिफाइंग शेयर यानी कि एक शेयर ले ले कंपनी में, या आई मीन एक से ज़्यादा जितने भी शेयर होंगे तो वो मेंबर बन जाएगा। प्रोवाइडेड दैट क्लॉज आई शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ, इसकी एक्सेप्शन है कि कब मेंबर बनने की ज़रूरत नहीं है। वन, ए पर्सन रिप्रेजेंटिंग ए मेंबर विच इज़ नॉट ए नेचुरल पर्सन, यानी कि अगर कंपनी मेंबर बन रही है, सॉरी, अगर कंपनी जो है वो मेंबर, जी, सो ए पर्सन रिप्रेजेंटिंग ए मेंबर विच इज़ नॉट ए नेचुरल पर्सन, यानी कि कोई ऐसा इंसान रिप्रेजेंट कर रहा है किसी कंपनी को, तो ये जो मेंबर होने की शर्त जो है ये लागू नहीं होगी। ए होल टाइम डायरेक्टर हु इज़ एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, एक ऐसा डायरेक्टर जो कि एम्प्लॉई, एम्प्लॉई वो है यानी कि जो कंपनी से सैलरी लेता है, फुल टाइम एम्प्लॉई है, टेक्निकल डायरेक्टर हो सकता है, लीगल डायरेक्टर हो सकता है, या कोई भी ओहदा है उसके पास, तो उसको भी जो है वो शेयर की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह एक जो चीफ एग्जीक्यूटिव अगर किसी ने बनना है तो उसके लिए भी लॉ ये कहता है कि मेंबर बनने की ज़रूरत नहीं है। देन फोर है जी, ए पर्सन रिप्रेजेंटिंग ए क्रेडिटर और अदर स्पेशल इंटरेस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स, ये वो लोग होते हैं जो कि आप पर सिक्योर कर रहे होते हैं अपनी ही जो पार्टी है उसके इंटरेस्ट को। यानी कि अगर किसी ने क्रेडिट किया है, कंपनी को लोन दिया है, तो कंपनी जो है वो इजाज़त दे सकती है उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव को कि वो बोर्ड पे आए, और ये बेसिकली कंफर्ट देता है क्रेडिटर को कि वो उनके इंटरेस्ट को जो है वो सब्सिक्वेंटली वॉच करेगा। देन जे है जी, हैज़ बिन डिक्लेयर बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन एज डिफॉल्टर इन रिपेमेंट ऑफ लोन टू ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमारे बैंक्स हैं या DFIs हैं, तो अगर उनका लोन देने में डिफॉल्ट कर जाए, ये इंसॉल्वेंसी की टाइप की चीज़ है बट एक स्पेसिफिक लोन की बात है। होता है इसमें यही है बेसिकली कि क्योंकि अब फेयर नहीं रहता इंसान अपने बिजनेसेस में, तो लॉ ये कोशिश करता है कि जो इंसान खुद अपना प्रीवियसली बेस्ट प्रैक्टिसेस उसने प्रोफेशनल नहीं कंडक्ट किया अपना उसके साथ, तो उसको वो सब्सिक्वेंटली किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप पे रोक दिया जाता है। के एज ही इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ब्रोकरेज और इज ए स्पाउस ऑफ सच पर्सन और इज ए स्पॉन्सर डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ ए कॉरपोरेट ब्रोकरेज हाउस। ये ब्रोकरेज हाउस ये होते हैं जहाँ पे ये शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए एडवाइस करते हैं लोगों को, तो ऐसे लोग भी जाहिर है क्योंकि वो ऑलरेडी एक ब्रोकरेज हाउस डिफरेंट लिस्टेड कंपनियों के बिहाफ पे वो शेयर्स की सेलिंग या ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो उनको भी क्योंकि उनका भी कॉन्फ्लिक्ट बनता है, इसलिए उनको भी डायरेक्टर बनने के लिए जो है वो इजाज़त नहीं है। लेकिन इसके नीचे देखें अगर आप, एक्सेप्शन है कि प्रोवाइडेड दैट क्लॉज जे एंड के शैल बी एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, यानी कि पब्लिक कंपनी में ये वाली जो है ये तब ही रेलिवेंट होंगी ये वाली रिस्ट्रिक्शन जब जो डायरेक्टर है लिस्टेड कंपनी में बनना चाह रहा है कोई नेचुरल पर्सन। देन जी सेक्शन 154, 154 में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। SMC में एक डायरेक्टर है, ठीक है जी। देन पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में दो डायरेक्टर्स होने चाहिए। फिर आपकी जो पब्लिक कंपनी है अदर देन ए लिस्टेड कंपनी, इट मे हैव मिनिमम 3 रेड डायरेक्टर्स, और एक लिस्टेड जो कंपनी है इसमें 7 डायरेक्टर होंगे। प्रोवाइडेड दैट पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज शैल बी रिक्वायर्ड टू हैव ए फीमेल रिप्रेजेंटेशन ऑन देयर बोर्ड, ये बेसिकली फीमेल रिप्रेजेंटेशन की मैंडेटरी बनाया गया है। इसका बैकग्राउंड ये है कि आइन में भी इस तरह की क्लॉजेस हैं कि ख्वातीन को प्रमोट करने के लिए एक कोटा सिस्टम जो है वो दिया जाए, जिस तरह आपने देखा, आपको पता है कि पार्लियामेंट में भी हमारी कुछ खवातीन की रिप्रेजेंटेशन है, और उनको थ्रू नॉमिनेशन ही जो है, उनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि किसी भी पार्टी जो है, जो भी पार्टी है, प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेशन देती है।
तो इसमें इस लॉ में भी गुंजाइश दी है कि कमीशन स्पेसिफाई करेगी कि कितनी खवातीन जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे होनी चाहिए, और फिर हर कंपनी पे ये हर पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी जो है वो कॉन्टेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर से, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज के लिए। देन है जी, ओनली ए नेचुरल पर्सन शैल बी ए डायरेक्टर। जाहिर है क्योंकि हम कह चुके हैं कि कंपनी का ब्रेन होता है डायरेक्टर, तो ओनली ए नेचुरल पर्सन कैन बी ए डायरेक्टर। फिर सेक्शन 155 है जी, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप से मुराद ये है कि एक एक नेचुरल पर्सन जो है वो एट वन टाइम कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है। सो नो पर्सन शैल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट होल्ड ऑफिस एज ए डायरेक्टर इंक्लूडिंग एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर एट द सेम टाइम इन मोर देन सच नंबर ऑफ कंपनीज एज मे बी स्पेसिफाइड प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट शैल नॉट इंक्लूड द डायरेक्टरशिप इन ए लिस्टेड सब्सिडरी। सो ये स्पेसिफिकली सेक्शन ने खुद नहीं बताई कि कितने कंपनियां में कोई एक इंसान डायरेक्टर हो सकता है एट सेम टाइम, बट उन्होंने लिमिटेशन ये की गया है कि इट हैज़ टू बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन या SECP स्पेसिफाई करेगी, और ये डायरेक्टरशिप तब जो है वो रेलिवेंट नहीं होगी जब कोई डायरेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी किसी पेरेंट कंपनी को। देन सबसेक्शन 2 है जी, ए पर्सन होल्डिंग द पोजिशन ऑफ डायरेक्टर इन मोर देन 7 कंपनीज ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल इंश्योर दैट कंप्लायंस ऑफ दिस सेक्शन विद इन 1 ईयर ऑफ सच कमेंसमेंट। सो अगर कोई इंसान ऐसा है, ऐसे लोग हैं जाहिर है जो बड़े कंपिटेंट होते हैं और कमर्शियली बिजनेस को समझते हैं, तो इन दैट केस अगर यानी कि अगर वो 7 कंपनियों में डायरेक्टर हैं तो उन्होंने इस सेक्शन की जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है जी। फिर ये एनी कैजुअल वैकेंसी ऑन द बोर्ड ऑफ ए लिस्टेड कंपनी शैल बी फिल्ड अप बाय द डायरेक्टर्स एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट द वैकेंसी अकर्ड। सो अगर कोई डायरेक्टर जब इलेक्ट हो जाए तो उसके बाद 3 साल के लिए वो डायरेक्टर होता है, तो अगर इस दौरान अगर वो रिज़ाइन कर दे या खुदा न खास्ता फौत हो जाए तो लॉ ये रिक्वायर कर रहा है लिस्टेड कंपनी से कि इन एनी केस उन्होंने 90 डेज में उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो देनी है कंपनी को। और इसमें याद रखने की चीज़ ये है कि जो डायरेक्टर होगा जो आएगा ऑफ द आउट एट द प्लेस ऑफ आउटगोइंग डायरेक्टर, वो उतने ही पीरियड के लिए डायरेक्टर रहेगा जितना के लिए ओरिजिनल ने छोड़ा था। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर 3 साल के लिए ओरिजिनल डायरेक्टर था और खुदा ना खास्ता वो फौत हो जाता है आफ्टर 2 ईयर्स, तो 1 साल के लिए जो है वो नया डायरेक्टर आएगा। इसी तरह अगर रिज़ाइन कर देता है 3 माह पहले, तो 3 माह सिर्फ जो है वो डायरेक्टरशिप उसकी चलेगी। 156 है जी, कंप्लायंस विद कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसको आप समझ लें कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिर्फ लिस्टेड कंपनियों के लिए होता है, और दूसरा ये है कि इसको बेसिकली स्टॉक एक्सचेंजेस ड्राफ्ट करती हैं और SECP इनको अप्रूव करता है। फिर जी, फर्स्ट डायरेक्टर एंड देयर टर्म। फर्स्ट डायरेक्टर वो हैं जो, जब आपको पता है हमने मेमोरेंडम बनाया था ऐसे एग्जांपल मेमोरेंडम, तो उसमें एक सब्सक्राइबर्स की लिस्ट होती है, तो वो उसी के साथ ही जो है वो कंपनी को बताना होता है कि ये जो इनमें से कितने लोग जो हैं वो पहले डायरेक्टर होंगे कंपनी में। सेक्शन 157 सबसेक्शन 1 स्टेट्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड द नेम्स ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी डिटरमाइंड बाय द सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम एंड देयर पर्टिकुलर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 197 शैल बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। सेक्शन 197 रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करता है और कहता है कि एक फॉर्म जो है वो रेलिवेंट आपने SECP में फाइल करना है, जिसमें लिस्ट डाउन करेंगे उन लोगों को कि जिनको कंपनी कहती है कि ये हमारे पहले डायरेक्टर होंगे। द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मे बी इंक्रीज्ड बाय अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर्स बाय द मेंबर्स इन ए जनरल मीटिंग। सो इसका मतलब ये है कि अगर एक कंपनी ने 5 डायरेक्टर्स कहे ओरिजिनली, तो सब्सिक्वेंटली अपनी जनरल मीटिंग में वो इन नंबर्स को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकती है। एंड द फर्स्ट डायरेक्टर्स शैल
होल्ड ऑफिस अंटिल द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स इन द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। हमें पता है कि पहली एनुअल जनरल मीटिंग जो है सेक्शन 132 में पहली जो है वो 16 मंथ्स में करनी है और सब्सिक्वेंट जो है वो 4 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर करनी है। सो पहली फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक जो है वो सिर्फ वो डायरेक्टर जो हैं दे विल होल्ड द ऑफिस। फिर है जी रिटायरमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स। ऑल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट AGM, सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो, क्योंकि ऊपर वाला सेक्शन भी यही बात कर रहा है कि वो ऑफिस होल्ड करेंगे अंटिल द फर्स्ट AGM। फर्स्ट AGM से मुराद यह है कि उस AGM पे जाहिर है इलेक्शन होगा फॉर द सब्सिक्वेंट टर्म। देन जी इन केस ऑफ ए सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स मेंशन इन सेक्शन 161। जी सबसेक्शन बी ये कह रहा है कि जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स होंगे वो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे टिल द पीरियड विच इज़ मेंशन इन सेक्शन 161। और वह सेक्शन 161 में लिखा है कि हर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर 3 साल के लिए जो है वो डायरेक्टर रहेगा। शैल स्टैंड रिटायर्ड फ्रॉम द ऑफिस एंड द डायरेक्टर्स और रिटायरिंग शैल कंटिन्यू परफॉर्म दर फंक्शन अनटिल देयर सक्सेसर्स आर इलेक्टेड। यानी कि जो डायरेक्टर है सब्सिक्वेंटली अगर 3 साल के लिए बना है तो जब तक एक नया इलेक्शन नहीं होगा तब तक जो है वो जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो दे विल कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस। द डायरेक्टर्स सो कंटिन्यूइंग टू परफॉर्म देयर फंक्शन शैल टेक इमीडिएट स्टेप्स टू होल्ड द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता कि 3 साल के बाद जो है वो बियॉन्ड भी जो है वो डायरेक्टर्स जो हैं वो कंटिन्यू करें, बट लॉ ये गुंजाइश दे रहा है कि वो होल्ड कर सकते हैं इलेक्शन सब्सिक्वेंटली, लेकिन उसकी मेन रिक्वायरमेंट ये है कि इमीडिएट स्टेप्स जो हैं इट हैज़ टू बी टेकन फॉर होल्डिंग द इलेक्शन एंड इन केस ऑफ एनी इम्पेडिमेंट रिपोर्ट शैल सच सर्कमस्टेंसेस टू द रजिस्ट्रार। यानी कि अगर कोई इम्पेडिमेंट आ रहा है इन होल्डिंग द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स तो जो डायरेक्टर्स हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं they have to inform the registrar of securities and exchange commission of pakistan within 45 days before the due date of the annual general meeting or extra general meeting as the case may be in which elections are to be held। yani ki iski misal aap is tarah samjhe ki agar 2015 mein koi directors appoint hue hain, say august mein appoint hue hain, to subsequent election 3 saal pure honge august 2018 mein। अब अगस्त 2018 में अगर फॉर एनी रीज़न इलेक्शन कंपनी नहीं करवा रही तो लॉ कह रहा है कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं, बट दो रिक्वायरमेंट्स आएंगी उसमें कि एक तो ये कि उन्होंने एक्सप्लेन करना है रजिस्ट्रार को कि क्यों जो है वो इलेक्शन नहीं हो रहे, और दूसरा ये है कि उन्होंने कोशिश करनी है कि ये इलेक्शंस जल्दी से जल्दी हों, और उसके लिए ये प्रोवाइडेड या प्रोवाइजो जो है वो भी रेलिवेंट है। प्रोवाइडेड दैट द होल्डिंग ऑफ AGM और एक्सटर्नल जनरल मीटिंग एज द केस में बी शैल नॉट बी डिलेड फॉर मोर देन 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द मीटिंग और सच एक्सटेंडिंग टाइम एज मे बी अलाउड बाय द रजिस्ट्रार। सो जो वो टाइम नहीं करवा सके इलेक्शन तो उन्होंने एक तो रजिस्ट्रार को बताना है, और रजिस्ट्रार को बताने के बाद उन्होंने दे विल हैव टू मेक श्योर कि सब्सिक्वेंट 90 डेज में उन्होंने वो इलेक्शन करना ही करना है। और फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड ओनली इन केस ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स और इन कंप्लायंस ऑफ एन एडी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। यानी कि जो वो एक्सटेंडेड पीरियड है उसमें दो चीज़ें रेलिवेंट हो गई कि एक तो उन्होंने एक्सप्लेन करना है रजिस्ट्रार को कि ये जो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें इलेक्शन उन्होंने नहीं किए दीज वर बियॉन्ड देयर कंट्रोल्स, ठीक है जी, और इसमें जो है खुदा ना खास्ता कोई फोर्स मेजोर वाले मामलात भी हो सकते हैं जिस तरह की आजकल की सिचुएशन है, कुछ डायरेक्टर्स बाहर हैं वो और आ नहीं पा रहे पाकिस्तान, या कोई बहुत बीमार हो गया है अगर 2 या 3 डायरेक्टर्स की कंपनी है। सो ऐसा यानी कि इवेंट उन्होंने एक्सप्लेन करना है रजिस्ट्रार को कि विच इज़ बियॉन्ड देयर कंट्रोल। और दूसरा ये है कि अगर अदालत ने किसी ने स्टे दिया हुआ है उनके इलेक्शन पे और उस ऑर्डर की कंप्लायंस में जो है वो नहीं कर पा रहे
तो ये भी एक एक्सेप्टेबल जस्टिफिकेशन है टू डिले द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। फिर है जी नेक्स्ट सेक्शन है जी, द रजिस्ट्रार में ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन टू, यानी कि 90 डेज का जो ऊपर हमने पीरियड पढ़ा है, ऑन इट्स ओन मिशन, यानी कि रजिस्ट्रार या तो खुद या बी में है, ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10, या 1/10 का हम पहले भी क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो 10% जो हैं वो शेयर होल्डर्स मिलके देते हैं, तो इस केस में भी वो एप्लीकेशन दे सकते हैं SECP को कि जी ये आप इलेक्शन नहीं कर पा रहे 90 डेज में भी बियॉन्ड दी एक्चुअल पीरियड, तो आप इनको एक डायरेक्शन दें कि ये जो है वो इलेक्शन होल्ड करें। और तीसरा है ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, बी जो है वो शेयर कैपिटल वाली कंपनी में 10% शेयर होल्डर्स की तरफ से एप्लीकेशन की बात है, और सी में 10% मेंबरशिप की बात है बट उन कंपनियों की कि जिनके पास कोई शेयर जिनकी शेयर कैपिटल नहीं है। सो रजिस्ट्रार ऊपर से कंटिन्यू अगर करें, डायरेक्ट दी कंपनी टू होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स ऑन सच डेट एंड टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन दी ऑर्डर। अच्छा, इसमें जो अगर आप देखें तो जनरल मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, सो ये दो मीटिंग्स का रेफरेंस इसलिए है कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हमें पता है जनरल मीटिंग में होता है, यानी कि डायरेक्टर्स को डायरेक्टर्स इलेक्ट नहीं करते बल्कि शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं। सो या तो एनुअल जनरल मीटिंग में वो इलेक्शन करवाएंगे, या अगर उनका इलेक्शन किसी और डेट पे आता है तो फिर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, क्योंकि हमें पता है जो जनरल मीटिंग होती है वो फाइनेंशियल ईयर के क्लोज से 4 माह में होती है, यानी कि जुलाई से लेकर अगर अक्टूबर तक इलेक्शन है किसी कंपनी में तो वो एनुअल जनरल मीटिंग के थ्रू होंगे, और अगर किसी और बाकी 8 माह के दौरान के होते हैं तो फिर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के थ्रू होंगे। और सबसेक्शन 4 है जी, एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी और एनी अदर पर्सन हु फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन गिवन अंडर सबसेक्शन 3 शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस लाइबल टू ए फाइन ऑफ लेवल 2 ऑन द स्टैंडर्ड स्केल। सो अगर इस सबसेक्शन 3 की नॉन कंप्लायंस करता है कोई कंपनी या डायरेक्टर तो उस पे लेवल 2 की जो है वो पेनल्टी लग सकती है। हमें पता है सेक्शन 479 में लेवल 1, 2 और 3 की पेनल्टी की जो है वो फिगर्स दी गई हैं।